हेलो स्टूडेंट्स माय नेम ईजा शरणजीत कौर फ्रॉम सत्यम कॉलेज पॉलिटेक्निक नकोदर आपके सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स ऑफ अ पाइथन लैंग्वेज ठीक है सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि वट आर वेरिएबल्स इन पाइथन ए पाइथन वेरिएबल is a reserved memory location to store value this means that when you create a variable you reserve some space in memory every value in python has a data type variables can be declared by any name or even alphabet like a a a a b c etc वेरिएबल क्या है सबसे पहले देते हैं वेरिएबल क्या है एक कंटेनर है दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़ मतलब वेरिएबल की हेल्प से ही हम जो हमारा डाटा है यहाँ पर भी हम कोई इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल हमारा जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन है एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है जिसे असेस करने के लिए एक नेम का होना ज़रूरी होता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल हमने अगर कोई डाटा कोई वेरिएबल को स्टोर करना है तो उसे सेव करने के लिए हम एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को का नाम होता है जैसे ए बी या कोई हम नाम इन सब नेम से हम मेंशन करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल फॉर एग्जांपल के जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ट्वेंटी देन बी इज़ इक्वल टू थर्टी कोई भी मैंने एक वैल्यू लिखी मतलब जो ए है एक वेरिएबल है जो ट्वेंटी है वो उसकी वैल्यू है ठीक है तो ए वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास चार रूल्स होते हैं फर्स्ट होता है ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडर स्कोर करैक्टर्स मीनिंग इसमें हम हमारा जो स्टार्टिंग uh, होती है वेरिएबल कि वो किसी अल्फ़ाबेट वेरिक के साथ हो जा सकती है या फिर किसे स्पेशल करैक्टर वेरिएबल के साथ हो सकती है सेकेंड है ए वेरिएबल नेम कैन नाट स्टार्ट विद अ नंबर जब भी हम कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं हम उस वेरिएबल का नाम किसी नंबर से नहीं रख सकते हैं हम उसका नाम किसी अल्फ़ाबेट के नाम से ही रख सकते हैं ठीक है थर्ड जो हमारा आता है मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा कि वेरिएबल नेम ओनली कंटेन एल्फ़ानरिक करैक्टर एंड अंडरस्कोर मतलब हमारा जो डाटा है वेरिएबल है वो स्टोर होता है ए ए टू लेके जेड की फॉर्म में जीरो से लेकर नाइन तक और जितने भी हमारे सेंसिटिव मीन्स क्या होता है जिसके अपर केस और लोअर केस सेम ना हो मीन्स अपर केस एंड लोअर केस में यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी है एज को इसने थ्री अलग अलग वे से मैंशन किया है एज ए केस सिर्फ स्मॉल में लिखा है दूसरा एज में सिर्फ ए जो है वो कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है एंड थर्ड में जो है हमारा पूरा का पूरा एज जो है वो कैपिटल में है मींस जे क्या है हमारा के सेंसिटिव है इन तीनों एज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी ठीक है जे सेम नहीं होंगे हर एक एज का जो वैली वेरिएबल है वो डिफरेंट होगा ठीक है तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स के रूल्स मतलब कैसे डिफाइन हम कर पाते हैं देन जो है हमारा आता है डाटा टाइप डाटा टाइप्स जो है वो स्ट्रिंग की कितनी डाटा टाइप्स हो सकती हैं हमारे पाइथन में एक होता है नंबर स्ट्रिंग फ्लोट ठीक है तो ये मोस्टली ज़्यादातर जो है जे थ्री डाटा टाइप्स हैं जो यूज़ होती है पाइथन में जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तब वेरिएबल एक स्ट्रिंग इंट और फ्लोट हो सकता है पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे बनाने की ज़रूरत जिसमें सॉरी इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जो हमारा वेरिएबल है वो फ्लोट है इंट है या फिर कोई स्ट्रिंग है पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू को देखता है समझता है देन उसको एग्जीक्यूट करता है कि ये कौन सी डाटा टाइप है जे इंट है या फ्लोट है जहाँ या फिर जे कोई स्ट्रिंग है इंट क्या होता है इंट होता है जिसमें हम सारे हमारे नंबर्स को यूज़ करते हैं वो क्या होता है इंट फ्लोट क्या होता है जिसमें हम डेसिमल को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग क्या होता है जिसमें हम करेक्टर्स को यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम वेरिएबल में होल नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं तो वो हम हमको जो इनपुट है वो इंटीज़र में देगा अगर हम सारे वेरिएबल्स को टेक्स्ट में स्टोर करते हैं तो हमें वो वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग डाटा में आउटपुट देगा मीन्स किसी का नाम हो गया किसी का ड्रेस हो गया समथिंग लाइक दैट दे ऑल आर आर स्ट्रिंग्स अगर वो हमको किसी डेसिमल में डाटा जो वेरिएबल है डाटा को डेसिमल में सेव कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमको जो डिस्प्लेड कराएगा हमारा वेरिएबल वो क्या होगा फ्लोट होगा ठीक है तो ये थी डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में अब बात करते हैं पाइथन नंबर में हमारे नुमेरिक टाइप्स होती हैं एक होती है इंट फ्लोट एंड कम्प्लेक्स वेरिएबल और नुमैरिक टाइप्स आर क्रिएटेड वेन एज असाइन द वैल्यू टू दैम एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू वन ये क्या है हमारा इंट है वाई इज इक्वल्स टू टू पॉइंट एट टू पॉइंट एट मीन्स ये किसको फ्लो वो करेगा मैंशन करेगा फ्लोट को दैन हमारा आता है जेड इज इक्वल टू वन ये क्या है कम्प्लेक्स है कम्प्लेक्स है ठीक है मतलब वहाँ पर जो हमारा हैशटैग के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वन आएगी सो so, फर्स्ट है डाटा टाइप उसमें क्या है इंट असाइन डाटा टू अ वेरिएबल देन y इज इक्वल टू दैट z इज इक्वल टू वन जेड अब डेफिनेशन देखते हैं इंट की इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं और बिना डेसीमिल के जो होते हैं वो क्या होते हैं इन इंटीजर्स देन हमारा आता है फ्लोट फ्लोट क्या है एक फ्लोटिंग पॉइंट है नंबर है जिसमें इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं और इसमें जो है वो शो करता है हमारे डेसीमल मीन्स पॉइंट को कंप्लेक्स में क्या है कंप्लेक्स नंबर्स आर रिटर्न विद द जे मतलब इसकी आउटपुट के साथ हमारा जो भी वेरिएबल होगा वेरिएबल की वैल्यू होगी उसके साथ एक जे करेक्टर जो है वो मेंशन होगा अल्फ़ाबेट जो है मेंशन होगा ठीक है तो ये आज था हमारा वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स ऑफ अप पाइथन थैंक यू